कोई वर्ल्ड कप विनिंग सिक्स के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ एक छक्के ने नहीं जिताया वर्ल्ड कप, पूरी टीम ने मिलके जिताया है। गौतम गंभीर बन गया नए हेड कोच, बिठा लिया उन्होंने सारी स्कीम, और भाई सारे बंदों ने मिलके बना लिए ढेर सारे मीम। भाई मीम बन रहे हैं गौतम गंभीर के ऊपर, और गौतम गंभीर साहब गौती भैया हम उनसे मिले भी थे, बड़े गर्म मिजाज के हैं, और अब वही लग रहा है कि टीम इंडिया के अंदर जाकर वही होने वाला है। इस टीम का गुंडा तो मैं ही हूँ, हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है, और इस टीम का गुंडा गंभीर भाई गंभीर ही बनेंगे, क्योंकि देखो कप्तान जो रोहित शर्मा है उन्होंने T20 से तो मतलब लगा लो मोटा मोटा बाहर हो ही गए हैं वो। हाँ मोटा वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर साहब अब आ तो गए हैं, लेकिन वो विराट कोहली जो है ना जो बाकी दो फॉर्मेट खेलने वाले तो वो थोड़ा सा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मतलब कुछ कुछ तो ऐसे मतलब ठाट ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कर देंगे नेटफ्लिक्स टाइप करें टडंग जनता बहुत कमाल है भाई। भाई बिल्कुल बवाल है, तो आपको पहला मीम दिखाते हैं। सबसे पहले ये तो बॉर्डर लग रहा है, अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, यार गौतम गंभीर अब तो भाई गौतम गंभीर की एक्सप्रेशन देख के एक पैसे की हैरत नहीं हो रही है, वो कर चुके हैं। यही है गौतम गंभीर भाई, ऐसा ही करते हैं गौतम गंभीर। और मुझे तो लग रहा है विराट कोहली जिस हिसाब से लोग कहते हैं ना छुट्टी ले ली अपना पर्सनल तरीके से, यार वो तो रोहित शर्मा भी करते थे वैसे, पता नहीं क्या विराट कोहली के साथ, लेकिन जोड़ने में ना नाम जो है बड़ा मजा आता है सारे लोगों को, दिल्ली का लड़का है इसको फंसा देते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ मजा आ जाएगा। तो अब विराट कोहली को तो छुट्टी मिलनी बंद हो जाएगी मुझे लग रहा है, वो कह रहे तेरे को अगर मैंने लिख दिया तेरे को इस टूर पे जाने का है तो तेरे को जाने छुट्टी का है। छुट्टी तो मिली गई है ना, एक फॉर्मेट से तो छुट्टी खुद ही ले ली है, और ना खुद से ले ली, कह रहे इससे पहले तू मुझे बाहर निकाले आप भैया भैया करते हैं, ओ भैया इससे पहले आप मुझे बाहर निकाले गौतम भैया खुद आई क्विट या क्विट नहीं वैसे तो रिजाइन वही वही फेयरवेल। हाँ फेयरवेल कोहली भैया। अच्छा चलो अगला मीम देखते हैं। बुमराह का मैच ओपनर अलोंग विद रोहित शर्मा नरा इसकी जगह लग नहीं रही है नरायण जैसी भाई, ये बहुत लोग बोल रहे हैं बोक्ता के नरायण, ये सुनील नरायण की तरह अब कोई बॉलर ही आ रहा है भाई ओपन करने के लिए। गौतम गंभीर कुछ भी कर सकते हैं, मुझे लग रहा है अक्षर पटेल को करा सकते हैं ओपन। अक्षर पटेल ओपनर, अभी तो आया था बेचारा 3-4 नंबर पे ठीक ठाक कर रहा था, आओ सीधे आज इरफान पठान बन के दिखाऊंगा फिक्स कर दो, मुझे लग रहा है अक्षर पटेल की पोजीशन 2 डाउन के आसपास की फिक्स कर दो, फिक्स कर दो अब आप नहीं हो, वैसे तो 2 डाउन पे श्रेयस अय्यर रहेंगे मुझे लगता है जहां फिक्स तो पाकिस्तान करता है। ओ सॉरी या ये फिक्सिंग के नाम सिर्फ ये भाई आपको ये वो दी गई है उपाधि फिक्सिंग की, तो ये आप ही लोग कर सकते हैं, लेकिन सुनील नारायण तो देखो बौखला गया क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं वैसे गौतम गंभीर साहब आए हैं तो नए ग्रेग चैपल बन के आए हैं कि भाई उनको भी यही था थोड़ा सा नो नॉनसेंस एटीट्यूड, ऊपर से उनका एटीट्यूड एटीट्यूड बाकी नो नॉनसेंस वगैरह हो या ना एटीट्यूड एटीट्यूड पूरा है भाई कि भाई उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे लिए कोई सीनियर नहीं है कोई जूनियर नहीं है, बुरा मान गए थे सचिन पाजी, बुरा मान गए थे दादा, दादा को तो भारी कर दिया था, उसके बाद राहुल द्रविड को कप्तान बनाया, घर जाके मान बुरा, सारे बुरा मान गए भाई, वहां पे सिर्फ एक पठान भाई है वही बोल रहे थे नहीं इतने बुरे नहीं थे, ठीक थे। हाँ तो उनकी बारी तो बैटिंग वैटिंग मिलने लग गई थी ना, कोई पूछ नहीं रहा था यार उनको, तो वही तो अब पठान कह रहे मेरे को बैटिंग भी आती है, ग्रेक्षा बने का कर, उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा वाह यार क्या बढ़िया कोच है, किसी ने मेरे पे भरोसा नहीं दिखाया था, उन्होंने दिखाया खाली एक लौते थे। और भाई चलो अगला मीम देखते हैं। आप एक स्टेट टीम के कैप्टन को इस तरह बाहर नहीं रख सकते। कौन सी स्टेट टीम के कैप्टन हैं आप? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ की टीम है? नहीं। But I'm a captain of a state team. And I'm the coach of the Indian national women's team. अरे कोई बात नहीं, वो कौन से चंडीगढ़ के हैं यार, वो भी दिल्ली के हैं, हद हो गई है, विराट कोहली तो बना हुआ है। विराट कोहली वही है भाई, हर किसी को यहाँ पे चाहिए, खाली बिग बॉस काफी नहीं है लोगों के, भाई कोई थप्पड़ अप्पड़ मार रहा है, इनको चाहिए बीच फील्ड में, यहाँ पे टीम इंडिया की हम बात करते हैं इनको तब भी आईपीएल वाले मसाले चाहिए, कि जैसे वो लखनऊ और उसके बैंगलोर के बंदे भिड़ गए थे आपस में,
उसके बाद अच्छा लास्ट सीजन में जाके जब वो झपियां डाल रहे थे वो और साथ में डिस्कशने हो रही थी, लोग मायूस हो गए उस पे। ओह माय गॉड यार, ये क्या, ये मुझे अच्छा खासा दिखना था हमको, लड़ाई झगड़ा क्या कर रहे हैं ये क्या अमन की आशा लगा रखी है तुमने, प्लीज ये सब मत करो, एक आधा को सेंड मारो तब तब जाके मजा आए लोगों को। क्या मतलब तुम दिल्ली के हो और प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हो? क्या तू तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है? किसी ने एक बंदे ने नहीं बोला यार। यही तो बात है ना, उन्होंने कहा अरे मैं जानता हूँ अंकल, अच्छा जानता हूँ वैसा, दोनों एक दूसरे के पापा को जानते हैं, कह रहे अच्छा अच्छा मेरा बाप ज्यादा पापा भी नहीं जाते विराट भाई के, हाँ चलो ठीक ठीक है तो कोई बात नहीं, पर ये तो वैसी नेचुरल हमारा सिग्नेचर मूव होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जानते हैं मेरा बाप कौन है ना। तो भाई अब हम अगला देखते हैं कौन है जी, ये रे ये बढ़िया है गंभीर जी, कोच बनने के बाद ये सारे नियम बना सकते हैं गौतम गंभीर। टीम में स्टार कल्चर खत्म, सबको योयो टेस्ट जरूरी, जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा, अभी तक तो ठीक है, शतक के पास पहुंच के धीरे खेलने वाले को ड्रॉप कर दिया जाएगा। क्या करेगा रे मेरा शुभमन? यार शुभमन के साथ बुरा होने वाला है, लोग कोहली को ही बोल रहे होंगे लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको शुभमन के बारे में नहीं पता अगर आप कोहली कोहली सोच रहे हो इस पॉइंट पे भी तो। और कौन है जी, खिलाड़ी अपनी पत्नियों को साथ टूर पे नहीं ले जाएंगे भाई, सारे तो वैसे भी नहीं लेके जाते, पाकिस्तान की टीम पूरा टब्बर लेके गई थी अपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए, चलो अमेरिका चलना है, यहाँ तो बेचारे विराट भाई अपना वीडियो कॉल कर रहे थे और रोहित भाई की जो है वाइफ वो साथ में बैठी हुई थी और हार्दिक भाई की वाइफ, क्या छोड़ो आगे बढ़ते हैं। कोई वर्ल्ड कप विनिंग सिक्स के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ एक छक्के ने नहीं जिताया वर्ल्ड कप, पूरी टीम ने मिलके जिताया है। अब देखो लेकिन अगर अब यार वो तो हमारे उसमें कॉन्क्लेव में जब आए थे गौती में तब भी बुरा मान गए थे, आपने कैसे कह दिया कि यहाँ पे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होते हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम होती है टीम, यार कैप्टन नहीं होते बिना बात के, चैन भाई को बताओ। हाँ फेल दिया बताओ, मैं तो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, क्यों बुरा मान जाते हैं? हाँ लोग बुरा मान जाते हैं, अरे ये यूपी बिहार साइड में मानते हैं बुरा, पता नहीं हमारे यहाँ तो ठीक रहता है। मैं तो खैर कुछ ऐसा कॉमेंट नहीं करता, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अरे लाइक कर रहे हो मेरे भाई, लाएंगे कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क चल तू इधर है, ए इधर आओ, अरे तुम हाँ उधर देखो 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 चश्मा लगा अच्छा लगा, हीरो नाउ यू आर माय हीरो, यू आर माय हीरो, मिल गया सर हैं ता यार चहल 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 को यार चहल को 11वीं बैटिंग नहीं मिल रही है, पहली कहां से मिलेगी ये बता दो। मैं कह रहा हूं अगर इन्होंने चहल को ओपनर बना दिया मैं मान जाऊंगा गौतम को, मेरे को कभी कुछ नहीं बोलूंगा गौतम को, सब छोड़ दे, मैं कह रहा हूं कि चहल को प्लेइंग 11 में लेकर ही आ गए तो भी मैं मान जाऊंगा। अब ऐसे बनती है प्लेइंग 11 में आ जाए भाई ओपनिंग, तो मतलब मैं कह रहा हूं 11वीं बैटिंग पहली बैटिंग पांचवी बैटिंग 11 में लेके आ जाओ। मुझे तो लग रहा है हर्षित राणा और तो आपका श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह और कौन, आंद्रे रसल, फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क, अगली टीम इंडिया में आपको यही सब दिखने वाला है। बस जी बस, कॉल आ गया भाई बीच में, ये तो स्पैम है, सॉरी गौती भाई स्पैम है ये तो। तो अगला देखते भाई, ओ, एक और बॉर्डर में बोली, अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। रियलिस्टिक लग रहा है यार, गौतम गंभीर यार सन्नी पाजी के गोली, वैसे तो गौतम गंभीर कर सकते हैं यार, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ बेचारे गोली मार सकते हैं, नहीं गोली नहीं मारेंगे लेकिन मिडिल फिंगर दिखा देते हैं वो वैसे क्राउड को, हाँ ऐसे ही दिखा देते हैं वो चलते फिरते। हाँ वो कह रहे थे कि कुछ सियासी मुद्दों पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे पाकिस्तानी, झूठ मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं क्या पता क्या सच है क्या झूठ है, देखो वैसे तो लेकिन लेकिन कोई अगर यहाँ से वापस भाग के गया तो गोली जरूर मार देगा ऐसे तो कुछ और भी मर सकता है लेकिन गोली से काम चला लेते हैं, हम गोली ही बोल देते हैं गोली ही मारी जाएगी। अभी ताजा एमपीशिप से रिटायर हुए ना, मतलब तो इतनी तो धौंस होगी अंदर। हाँ तो शुरू बस वो भी गर्ल्स ही होता है जो आगे चलते हैं ना पिंक मैन छू के भागने का मतलब ही नहीं पता इस भाई को। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके ओके ओके, विराट कोहली एंड गौतम गंभीर टॉकिंग टू ईच अदर आफ्टर मैच, ओह माय गॉड भाई, वैसे तो
पर लोग इतना क्यों, आपको लग रहा है कि सच में विराट कोहली और गौतम गंभीर में भिड़ंत होगी? यार मुझे मुझे नहीं लग रहा यार, मुझे भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है वो तमीज, अब मुझे लग रहा है विराट कोहली और गौतम गंभीर की जब वो लड़ाई हुई थी ना, मतलब अगर आप ये नवीन उल हक वाली हटा दो, ये तो होती रहती है हाँ, और वो वाली लड़ाई में विराट कोहली बहुत यंग और बहुत वो थे, अब थोड़े से मैच्योर है यार वो, नवीन उल हक भाई एक आधा डेढ़ साल ही गए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पर उसमें गौतम गंभीर से तो नहीं भिड़े ना वो, गौतम गंभीर से देखो गौतम गंभीर आके भैया भैया करके बोल रहे थे, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई विराट कोहली वहां पे जाके यही बोल रहे थे कि अरे भैया मैंने आपसे कुछ कहा, भैया मैंने आपसे कुछ कहा, वो भैया भैया कह, क्या बेटे तू कुछ कह भी नहीं सकता, ये तो बोला था गौतम गंभीर ने, तो सुन मैं और फिर चल के आते तेज तेज जाते जाते छोटे से गौतम बता दूंगा तेरे को भाई, दो मिनट में सीधा कर दूंगा, दिस इज सिनेमा प्योर सिनेमा। चलो भाई अगला देखते हैं, अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा, कोई बात नहीं तू जा सकता जा, मैं चला जाऊंगा, जा मैं चला जाऊंगा, हां जा मैं सचमुच चला जाऊंगा, चल 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 मैं जा रहा हूं, अरे तू जा रही, मैं नहीं जाऊंगा, दो साल का किराया देके जाऊंगा, 25 तक का तो वो है हां, दो साल का तो पता नहीं, एक साल तो चलो ठीक है हाँ, तो एक डेढ़ साल तो विराट विराट कोहली नहीं जाने वाले, दो साल का किराया तो रख के जाए, मुझे लग रहा है अगला, अच्छा अगला T20 वर्ल्ड कप तो खेल ही सकते हैं, लेकिन 2027 वाला वर्ल्ड कप मुझे अभी भी लग रहा है विराट कोहली खेल जाएंगे, मुश्किल है, मतलब देखो फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, फिटनेस पे तो मैं मतलब सवाल ही नहीं उठाता, विराट से ज्यादा फिट कोई नहीं है भाई पूरी टीम में, मुझे लग रहा है तब तक उनकी फॉर्म और तगड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है मतलब वो भी धोनी जैसे अभी मैन ऑफ द मैच बन के एकदम रिटायर हुए, तब भी ऐसे ट्रॉफी पकड़ते हुए मैन ऑफ द मैच बनते हुए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट में अक्सर हार जाते हैं, चलो मैन ऑफ दिस मैच, ये सीख चुके हैं, ये पिछले वाला जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनके क्या हासिल हुआ, सचिन पाजी 2003 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने क्या हासिल हुआ, नहीं नहीं मैन ऑफ द मैच, 2007 में शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, बढ़िया है ना, इंडिया जीत गई थी ना, तो किसी पाकिस्तानी बैट्समैन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनना, वो तो इस बार ही ऐसा हो गया कि भाई मैन ऑफ द मैच भी फाइनल का हमारा था हाँ। और जसप्रीत भाई भी हमारा वो लेके चले गए मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बड़ा कम होता है ऐसे, ज्यादा होता नहीं है ऐसे वैसे तो, चलो एक है वाला हाँ। इंडिया स्ट्रेटजी अंडर, वो पहले उतर जाओ और जो भी बॉलर है वो बॉलिंग करेगा ना, मैं तो बैट्समैन, मैं भी सर, मैं क्या सोचता हूँ कि बॉलर्स को पहले उतार दो फिर बॉलर्स बता देंगे बॉलर के बारे में कि कैसी बॉलिंग करता है, ऐसा नहीं होता है, आउट होने के पहले ही उतारते हो, कितनी बढ़िया शक्ल है यार, ये AI ने यार बिल्कुल मतलब कह रहे थे और जज्बात तो बदल दिए, कह रहे थे AI will take over the world, meanwhile AI छोटे बच्चे पे मुंह लगा रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली क्यूट लगेंगे हाँ। बढ़िया गौतम को मेरी ना, मैं सर 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 मैं क्या कह रहा था सर, ऐसा ही होने वाला है, चलो आखिरी मीम देखते हैं, यूजी भाई यूजी चैन भाई बढ़िया शॉट मार रहा है लड़का भाई, यूजी भाई अल्टीमेट बैटिंग लेजेंड बनने वाले हैं, मजा आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ IPL के अंदर युजेंद्र चहल 800 रन और 50 विकेटें, अच्छा मैं तो 850 कह रहा हूँ, साढ़े 800 रन और 850 विकेटें, 850 विकेटें हर मैच में, युजेंद्र चहल 2 हैट्रिक हर मैच में, बाकियों के भी बाकियों के हाँ हर मैच में चहल खेल क्या गंभीर भाई ने भेजा, कह रहा बॉलिंग मैं करूंगा आज मैं दिल्ली की तरफ से भी खेलूंगा हाँ। तो जो टीम चहल को पसंद है दोनों साइड से बोलिंग करेगी, क्या तूने इतने साल इंडिया नहीं खेला ना हाँ। मैं तेरे को कॉम्पनसेट करूं, आज सारा क्रिकेट खिला दूंगा तेरे को, आ जा तू रो देगा बिल्कुल ही, तो भाई मजा आने वाला है, देखो गौतम गंभीर कोच बनने वाले हैं, और आप लोग बताओ कॉमेंट्स में, ये जो लोग कह रहे हैं कि बुमराह या कोई बॉलर जो है वो ओपन करेगा, क्या सच में ओपन करेगा, और विराट कोहली और गौतम गंभीर क्या होने वाली है, कमेंट में बता दो भाई फटाफट से बता दो, हम लोग चलते हैं और आपके लिए मसालेदार वीडियो बनाने के लिए, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।